ये अपनी वो देसी चुस्की आती थी ऑरेंज ड्रिंक, इनके ये निशान होते हैं क्लैन के। हाँ कह लो भाई, हमें समझ तो आनी नहीं, हम हंसेंगे ही। ब्लैक मैन विद वाइट मैन, मतलब किडनैपिंग बहुत आम बात है, और पेट्रोल का जो रेट है वो यहाँ पर है। कैसे फंसे हुए हैं यार, अभी मार दिया तो भाई ट्रक वाले ने एकदम। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम हाईवे के किनारे पे रुके हैं एक जगह पर, जहाँ थोड़ी बहुत शॉप्स हैं, और पूरे हाईवे पे तो कहीं कुछ दिखानी, यहाँ पर ये थोड़ी सी शॉप्स दिखी हैं और हम शायद कुछ खाना लेने वाले हैं। ये यहाँ का लोकल फूड है जो बहुत ज़्यादा चलता है, इसको कहते हैं सुया, चिकन तंदूरी टाइप होता है यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस ब्रदर? राम राम, मटन मटन बीफ? नो बीफ। ओके, कुछ यहाँ पे दुकान पे कुछ खा पी रहे हैं लड़के। सन्नू, एक ये रोटी सी, पता नहीं क्या चीज है इनकी, ये बेच रहे हैं। सेब भी मिल रहे हैं और ये खजूर, इतने टाइट होते हैं, लकड़ पत्थर है समझ लो खजूर क्या है। कुछ ये कन्फेक्शनरी इसकी शॉप भी है, ये बिस्किट वगैरह मिल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है इनकी, अपनी होगी। सुया, ये सुया तंदूरी चिकन होता है। What is this? Apple flavor? This is milk? Give me one. इतने गंदे गंदे नोट दे दिए, ड्रिंक ली थी, फटे हुए नोट हैं बिल्कुल, और यहाँ पर ये चल जाते हैं, कहते हैं नागोडे। ओके भाई, हम बहुत लेट हैं ऑलरेडी, और हमने जो खाना है वो पैक करा लिया है, कार में ही खाते हुए जाएंगे। मुझे काडूना हम पहुँच चुके हैं और 3:30 बज गए हैं, लगभग 4:15 हो चुके हैं, और अभी हम हैं काडूना में, और जो पैच है 7 किलोमीटर का जो सबसे डेंजरस है वो अभी आगे आना है। और गुड्डू भाई थोड़ा हमारे परेशान हो रहे थे, और कल जब मैं किन्नी इंडियन भाई के साथ बैठा था, हमारे बहुत सारे भाई इंडियन भाई मिले मुझे, उन्होंने वैसे ही उन्हें लगा कि मैं शायद किसी जॉब वगैरह के उससे आया हूँ यहाँ पर, तो थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्हें पता लगा कि मैं एज अ टूरिस्ट आया हूँ यहाँ पर घूमने आया हूँ, तो 2-3 भाइयों ने हाथ मिलाया, सल्यूट किया, कह रहे भाई सल्यूट है तुझे कि तू इसलिए आया है। और अभी इस टेंशन में बातें होने लग गई बीवियों की, तो इस टेंशन में भाई ने बताया कि नाइजीरिया में, ब्रो टेल व्हाट्स अप। सो बेसिकली ब्रो, आई एम टेलिंग यू लाइक अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। इन नाइजीरिया लाइक when it comes to the marriage, the women who try to control their husbands, unfortunately and sadly, the marriage ends up breaking, because it is very difficult to control a Nigerian man. All the time you end up having problems, blah blah blah. So most women, they try in the beginning, sometimes they can succeed, but only a little bit, because the day the man decides, no, you cannot control me anymore, then sadly marriage breaks. How many of your friends have been divorced? Quite a number of them. And what is the reason? It has to do with these same things I'm talking about. The women you find, you know, I'm not saying that the men are 100% right, because yes, you know, sometimes a woman wants you to be in the house but you want to hang out with your friends and blah blah blah. So yeah, the man also has his own issues. But like when we were growing up, we were not really seeing our mothers challenging our fathers, like, you know. So, you know, when you grow up in that kind of environment, you tend to have that
thing at the back of your mind that, you know, you cannot really be controlled by a woman. So when it happens, you know, so many, I have a couple of friends, you know, divorced, some even got married to second wife, not because they wanted to, but because the first wife was giving too much, भाई बीवियां नहीं करती नौटंकी नहीं करती वही नहीं करती इंडियन मैन डरता है भाई डरता है डरना पड़ता है ब्रो इंडियन मैन कांट से एनीथिंग अगेंस्ट हिज वाइफ आई नो आई नो आई नो देम नाउ बिकॉज़ आई हैव सो मेनी ऑफ देम एज फ्रेंड्स and I witness and at I have the end, witness he has to go back to his house in India. Okay. So he cannot say anything. I have witnessed it before, so I know. I know. Yeah. Many of my friends in Abuja, we go out sometime, the wife will go, okay, I have to go, bye 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 bye, you know. But in Nigerian men and Nigerian, no, doesn't happen like that. The wife will not even call us to ask where are we. They will only call you to ask. Maybe they want you to buy something on your way back. Okay. That's when they will call. Oh, on your way back, please buy something. Uh-huh. Bro, look at that bridge built in 1901 by the Britishers. Uh-huh. It's a very historic bridge in Nigeria. And very historic bridge in Abuja, in Kaduna. And this bridge separates Kaduna North from Kaduna South. So on top of this bridge, we're leaving Kaduna North right now. We're heading towards Kaduna South. तो भाई इंडिया वाली भाभियों बहनों और मेरी बीवी बीवियों नहीं बीवी तुम लोग लक्की हो देख लो क्या हाल है यहाँ पे और हम लोग लक्की हैं भाई हमें आप लोग मिले कोई भी गाड़ी हमारे पास से अब ओवरटेक कर रही है ना तो डर सा लग रहा है और भाई का भी टेंशन में फेस होता जा रहा है क्योंकि अब हम उस एरिया में पहुँच चुके हैं जहाँ पे थोड़ा सा डर वाला माहौल है उसकी वजह है कि देखो दूर दूर तक ना जंगल है तो जो किडनैपर आते हैं दूर दूर तक खाली पड़ा है वो इन्हीं रास्तों से आते हैं और किडनैप करके फिर जंगल की तरफ ही ले जाते हैं तो इसलिए उनको इन जंगलों से बहुत ज़्यादा और इस खाली एरिया से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एक्चुअली तो इसीलिए ये एरिया थोड़ा डेंजरस जोन में ज़्यादा है सबसे खतरनाक एरिया ये सम टाइम दिस ईयर नाउ फेब्रुअरी सबसे खतरनाक माय यंगर सिस्टर्स वेडिंग हम एंटर कर चुके हैं जेरे एरिया में जो सबसे खतरनाक माना जाता है यहाँ पर एरिया और भाई ये जो आधा पौना घंटा है वो बहुत क्रूशियल है हमारे लिए बोल जियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय माता दी ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ पर और इसी एरिया में ट्रेन किडनैप हुई थी ये ट्रेन की जो पटरियाँ थी वो दिख रही थी इसी एरिया में थोड़ा आगे जाके ट्रेन किडनैप कर ली थी इन्होंने पूरा जंगल ही जंगल है पूरा जंगल क्या बेच रहा भाई ऑल गुड शो मी गुड कैसी चिकन मस्टर्ड गार्लिक चिकन नो चिकन ओके चला भाई तुम चला मस्टर्ड गार्लिक ना गोडे या गोडे बाजार सब जगह ऐसे रोडों में फ्रूट बेच रहे होते हैं देखने में तो अच्छे लगते हैं ये क्या है श्रद्धा सा है कुछ मैंगो पता नहीं क्या क्या
अदरक नींबू. छोटा सा टाउन है एक, और भाई गए हैं सुसु करने. बड़ी क्रूशल जगह पे सुसु आया यार इन्हे, खतरनाक जगह पे. खुद ही डर रहे थे कि बहुत खतरनाक जगह है, खुद ही रोक दी. और ये खाने पीने की दुकान है, चिकन. इतना बड़ा चिकन तो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या है, चिकन ही होगा. सुया सन्नू सुया सुया ओके. तंदूरी चिकन टाइप होता है, इसे सुया कहते हैं. सन्नू ये मार्केट. हाँ ये टुमारो टुमारो मोरो मार्केट. या मोरो मार्केट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मार्केट? यस मोरो. यस ओके. बिग मार्केट. दिस इज अ बिग मार्केट. हाँ दे रात पास्ता ना गोडे भाई. बिग मार्केट कह रहे हैं. नो मैंगो. मैंगो वाले से भी मिलने भाई. मैंगो बहुत बड़े बड़े ले रखे हैं उसने. मैंगो बहुत बड़े बड़े हैं. या हाउ मच? 500. 500? यस ओके. 65 रुपए का आम है इतना बड़ा. यस इंडियन 65 रुपए. बिग मैंगो. चिकन भी रखा हुआ है भाई. लोका चिकन. आरिश. आरिश बोलते हैं आलू को. आरिश टमाटर. हाउ मच फॉर आरिश? दिस वन 35. दिस वन 25. 35 ए. दिस वन 25. 25 ए. 3500 मतलब 4-450 रुपए वो तो लगा लेता है. टमाटर टमाटर सा 225. हाउ मच फॉर वन? 2500 फॉर ईच. यस 600 टमाटर सा. 300 रुपए का मुर्गा मिल रहा है जिंदा भाई. यहाँ पर जो बाइक वाइक पे आ रहे हैं ना कोई, उनको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है बंदों को. कुछ तो इन्हें आदत नहीं है, यहाँ किसी आदत होनी है कैमरा लेके कोई देखे किसी को. सन्नू उस बाजार से हम निकल चुके हैं और भाई ने पूरा पंजा दाब दिया है कि ये एरिया जो है ये पार करना हमें जल्दी. और बहुत सस्ता फ्रूट वगैरह सब मिल रहा था इनके यहाँ के हिसाब से भी. शहर में बहुत महंगा था और यहाँ पर बहुत ही सस्ता था उस हिसाब से. होम स्वीट होम. होम स्वीट होम. भाई 450 किलोमीटर और 9 घंटे का सफ़र तय करके कानो से हम पहुँच गए अबूजा. और अब थोड़ी सांस में सांस आई है क्योंकि वाकई वही रास्ते में जो कहानियाँ जो चीज़ें सुनी थी थोड़ा क्या बहुत ही डर लगता है भाई. और जब ये आपके साथ एक लोकल हो और वही आपको ऐसी बातें बता रहा हो तो फिर आपको और भी डर लगता है. और अपने कुछ इंडियन भाइयों ने भी बातें बता दी थी तो जाते हुए तो चले गए थे जोश जोश में, आते हुए काफ़ी डर लगा था. खैर सेफली आपकी दुआओं के साथ भगवान के आशीर्वाद के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अबूजा में. आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन अबूजा. होम स्वीट होम. आई ऑलवेज फील रिलीव्ड व्हेन आई सी माय सिटी अगेन. Same thing here. Back to Abuja. Feeling safe, feeling happy. Home sweet home. तो अब मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में. हमें दीजिए इजाजत. शुक्रिया. नमस्ते. जय हिंद.